जब से सुबह से रिलीज हुई तो केमिस्ट्री हम दोनों की बहुत पसंद कर रहे हैं, सो केमिस्ट्री पसंद करे तो बहुत अच्छी बात है। वेल जी, अभी आज सुबह फिल्म रिलीज हुई है और उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है और आशा यही करते हैं सबको पसंद आए। एंड अभी भी और भी 3 दिन है जो कि हमारे लिए बहुत खास रहेंगे ये 3 दिन। वेल अभी एक फ़ैन ने मुझे एक्चुअली ट्वीट किया, पूरे फिल्म के जितने डायलॉग्स हैं उसके कितने वर्ड्स हैं, उसने यू नो हर एक वर्ड कैलकुलेट करके कितने वर्ड्स हैं टोटल, वो लिख के मुझे ट्वीट किया है। सर आपकी वाइफ ने देखा रहेगा? हाँ बिल्कुल, उन्होंने देखा है फिल्म, देखा है और अभी वापस देवीना आ रही हैं, दोबारा साथ में हम लोग देखेंगे। सर अगर आपकी सफलता का मूल मंत्र पूछा जाए तो क्या है, क्योंकि आप टीवी सीरियल पे फिल्म में आप आए तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता के पीछे कौन है? मेरे एक्चुअली देवीना का हमेशा मैं कहता हूँ कि उनका हाथ बहुत ज़्यादा रहा है। यू नो जब 10 साल पहले मैं और देवीना मिले थे और बहुत छोटे से थे, एंड यू नो देवीना मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी और उनसे उनको मैंने प्रपोज़ किया और शादी की उनसे, और यू नो आज आप लोगों के सामने यहाँ तक हूँ, तो उनका हाथ, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता। क्रिटिक है उनका भी बहुत अच्छी तरह से आपके जो रोल को और सना खान केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरह से निभाया फिल्म में, तो क्रिटिक को भी आपने खुश कर दिया है, फिल्म क्रिटिक्स लोगों को। जी ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि यू नो ये मेरी दूसरी फिल्म है और मैंने अपना बेस्ट दिया है और सबको पसंद आ रही है, क्रिटिक्स को अच्छा लग रहा है, तो यू नो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आशा ये करते हैं कि अगली फिल्म में और अच्छा हो। वेल सुबह से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और यू नो ट्वीट कर रहे हैं सब लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। एंड अभी शाम को सारे फ्रेंड्स फैमिली सब लोग आज आने वाले, कुछ लोग पहुंच गए हैं और हम लोग सब साथ में जाके धमाल करने वाले हैं। कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का फ़ोन आएगा अगली फिल्म के लिए आपको? हाँ एक करने जा रहा हूँ वो जल्दी, मुझे लगता है कि फ़िलहाल संडे तक इस फिल्म को यू नो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसको एंजॉय कर लेता हूँ, उसके बाद आप सबको दो मुझे लगता है कि मंडे ट्यूजडे तक हम लोग नेक्स्ट फिल्म अनाउंस कर दूँगा। मैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा, मैं ज़रूर बताऊँगा, अभी बताऊँगा। सब मूवी आपने पोस्टपोन की थी तो उसके आपको लगता है कि उसके वजह से आपको फ़ायदा हुआ है? जी बिल्कुल बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर यू नो अगर हम नहीं करते तो नुकसान ज़रूर होता, क्योंकि हमें अच्छा खासा 16 दिन हमें टाइम मिल गया जहाँ पे हमने प्रमोशन भी किया अच्छे से, एंड यू नो कुछ हद तक जो माहौल है वो बहुत ठीक हुआ है, लोगों के पास कुछ पैसे आ गए, तो हम चाहते हैं लोगों के पास जल्दी पैसे आए और आए और ताकि फिल्म देखने लोग जाए। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये 1000 बार करोड़ों बार मैंने कहा है, और यू नो अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ, बिकॉज यू नो जब भी लाइफ में कभी भी मैं लो फील करता हूँ, यू नो मैं बैंड स्टैंड जाता हूँ, उनका बंगला को देखता हूँ, यू नो तो एक एनर्जी आ जाती है, तो आई थिंक उनका ट्रेलर मैंने देखा रईस, जैसे ही मुझे मालूम चला, यू नो मैं प्रमोशन में लगा हुआ था और जैसे ट्रेलर आया तो सबसे पहले मैं गाड़ी में मैंने देखा और आउटस्टैंडिंग, क्योंकि SRK जब ऐसा रोल करते हैं यू नो जिसमें हल्का ग्रे शेड हो, मुझे लगता नहीं है कि कोई एक्टर वैसा कर सकता है। अगर हम छोटे पर्दे से बात करें, छोटे और बड़े पर्दे की, तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर
किस पे काम करना चाहिए, लगा छोटे पर्दे में या बड़े पर्दे में? देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज बड़े पर्दे पे मैं काम कर रहा हूँ, उसकी वजह छोटे पर्दे को मैं ज़रूर देना चाहूँगा, बिकॉज अगर टीवी नहीं करता तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, अगर टीवी नहीं करता तो मुकेश भट्ट की वाइफ ने उन्होंने मुझे देखा पहली बार और उन्होंने मुकेश भट्ट को कहा कि इस लड़के को ब्रेक देते हैं, तो अगर टीवी नहीं करता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यू नो जब आपका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता है तो बहुत टफ होता है यहाँ तक पहुँचना। आई थिंक ये एक ड्रीम है जो मैं जी रहा हूँ। यू नो टीवी में बहुत नाम कमाया है और आज बॉलीवुड की ये मेरी दूसरी फिल्म है। आशा यही करता हूँ कि ऐसे ही अपना 200% देता रहूँ, ऐसी एनर्जी बरकरार रखूँ और ऐसे ही हर काम को दिल से शिद्दत से करूँ। आपका और शर्मा जोशी का किरदार को सबसे ज़्यादा सराहा गया, तो आपको क्या लगता है आपके कंपेयर मतलब कम समय में आपको इतना फेम मिला तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? वेल फिल्म में ज़रूर सारे किरदार को बहुत लोगों ने पसंद किया है। शर्मन के साथ जो मेरे सीन है वो बहुत ही कड़क हैं, जो रिस्पांस आ रहा है लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों के जो डायलॉग्स हैं, एंड शर्मन का मैं हमेशा फ़ैन रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक्टिंग तो ज़रूर बट साथ साथ में वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही हम्बल हैं, तो वो भी सीखने को मिला कि आप जितना भी आप आगे ज़िंदगी में जाओ आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। All credit goes to the director as well for shooting the scenes so aesthetically. So yes,
I mean, yeah, it's fine. It's absolutely okay. Thank you. Thank you. फिल्मों में आने का कोशिश सोचे और चाहे तो उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ
उनका गोल होना चाहिए और उन्हें क्या बनना है वो होना चाहिए। सना जी, रईस और काबिल दोनों ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, आपने कौन सा पसंद आया आपको दोनों में के ट्रेलर? नहीं, फिलहाल तो मैं वजह तुम्हों के ट्रेलर के साथ ही बिजी थी, मैं खड़ी खड़ी मेरे ट्रेलर देखती थी अपने व्यूज बढ़ाने में, बट डेफिनेटली मुझे दोनों के ट्रेलर पसंद है। जोक्स अपार्ट, आई लव शाहरुख, आई लव आमिर, एंड आई एम ग्लैड कि यू नो अच्छी फिल्में आ रही है और दोनों फेवरेट एक्टर्स है, तो जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है कि आई थिंक जितने भी लोग हैं हर किसी ने ट्रेलर देखा होगा। तो या आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉन्ट टू सी द फिल्म। लगा एग्जाम का पेपर दिया मैंने फर्स्ट टाइम, और इसीलिए मुझे लगता है देखे क्योंकि उसमें वजह है कि गुरमीत चौधरी है उस फिल्म में। जो मैसेज है वो तो मैं खैर उनको व्हाट्सएप पे पर्सनली दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये कह गुरमीत मेरा बहुत अच्छा और ख़ास दोस्त है और वही वजह है इस फिल्म को देखने की, तो मैं उसको डेडिकेट करता हूँ कि वजह तुम हो। जो गुरमीत और देखना है वो हम बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं, और वजह इस मूवी देखने के लिए है क्योंकि जो सरा खान है वो भी मेरी फ्रेंड है और गुरमीत भी फ्रेंड है, एंड बहुत तेज़ हवा चल रही है, बट दैट्स ओके, फीलिंग कूल। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी, और देखते हैं अभी क्या मूवी है। गुरमीत और सरा खान की केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया गया, क्या कहना चाहिए आप? I can see Sana there. She's looking hot. दोनों ही एक्चुअली काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इज अ फ्रेश पेयर है, न्यू पेयरिंग। लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या मूवी होगी। आई एम श्योर इट्स एंड एक्चुअली जो मेरे मित्र हैं टी सीरीज किशन कुमार, उनको भी मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें अभी मिलने वाली हूँ। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
स्क्रीनिंग का टाइम हो गया है। वो ब्लॉग में वही थी ना, तभी तो उसने कहा कि मुझे रोना आ गया पब्लिक सुन के पति के लिए। चलता है।